इस समय हमारे बीच अखिल भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महेश जांगला जी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो स्थिति जोधपुर में देखी जा रही है, संतों के प्रकरण में आप देख सकते हैं संत आसाराम जी बापू की छवि को जिस तरीके से धूपबेल किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि सिर्फ जोधपुर में नहीं, भारतवर्ष में संतों के साथ अत्याचार हो रहा है। स्वामी विवेकानंद से लेकर के कि ये लगते जा रहे हैं कभी किसके ऊपर, इस मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। साध्वी प्रज्ञा जी को क्लीन चिट मिली है उसके बावजूद, और हमारे लिए ये मरने की बात है चुल्लू भर पानी में कि हम जिस सरकार, जैसे बीजेपी का पहले तो हम कहते थे कांग्रेस सरकार हमेशा हिंदू विरोधी रही है और रहेगी, ठीक है, ये इसको क्लीन चिट मिल चुकी है और सभी कहते हैं। हम बीजेपी सरकार आने के बाद में हिंदुओं के साथ भी षड्यंत्र हो रहा है, संतों के साथ भी षड्यंत्र हो रहा है, सारा वोट बैंक, ये सारा हिंदुत्व को खत्म करने का षड्यंत्र है। क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि हिंदुत्व मजबूत अगर हो गया तो संत आसाराम नहीं, भारत का कोई भी संत कहीं पे भी प्रताड़ित नहीं होगा। भी जो स्थिति चल रही है संत आसाराम जी बापू के विषय में, आपने क्या अपने लेवल पे वहाँ पर किया है? हमने वो आंदोलन किया है जो शायद किसी संगठन ने नहीं किया, सारे संगठन शांत बैठ गए थे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज की प्लानिंग थी, सारी थी, RSC आ गई थी, उसके बावजूद भी हम वहाँ डटे रहे। आपने अपनी आवाज बुलंद की? बिल्कुल, हमने आवाज बुलंद की। इसका ये मीडिया में आप देखें, चाहे भास्कर पत्रिका जितने भी है, इंटरनेशनल न्यूज तक बनी है। अभी वो व्हीलचेयर में आ गए हैं, अब आप क्या करना चाहेंगे? इसके लिए भी हम मुद्दा उठाएंगे, ये षड्यंत्र है। भारत के समाज को आप क्या बोलना चाहेंगे, इस समय क्या करना चाहिए भारत के समाज को? एक जागरूकता होनी चाहिए, जब तक जागरूकता पैदा नहीं होगी जब तक कुछ भी नहीं होगा। अब आप भारत के समाज को ये बताइए कि षड्यंत्र के कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं? बोला जाता है कि मीडिया भी उनके पीछे पड़ी है, जबकि मीडिया फॉरेन फंड पा रही है, कई NGOs उनके पीछे पड़ी हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मीडिया भी है उनके पीछे। मैं सारी मीडिया को टारगेट नहीं करता भाई, लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, उसके अंदर एक स्तंभ मीडिया को माना जाता है, अगर डगमगा जाए तो पूरा लोकतंत्र गिर जाए। पूरा स्पष्ट है कि मीडिया को फॉरेन फंड आ रहा है, बिल्कुल कई चैनलों को फॉरेन फंड आ रहा है। अब वो फंड का अब आप एक सीधा सा सवाल देख लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी एक ब्रह्मास्त्र है, आप भी जानते हैं, वो भी आ गए, वो सब कुछ उन्होंने भी कर दिया, उन्होंने पूरा क्लीन कर दिया कि संत आसाराम जी को किसने फंसाया। अब उन्होंने तो ये उन्होंने ये भी कह दिया 3 साल से ज्यादा इस केस के अंदर सजा नहीं होती है, तो फिर क्या मांगते हैं भैया? आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा था, सुब्रमण्य स्वामी ने ही बोला है हाँ कि ये सब देखा नहीं गया कृष्णों को, उन्होंने टारगेट बनाया और 50 साल से उनकी सेवाओं को साइड में रखकर आज उनके ऊपर एक मोहरा बनाया गया है कि भाई वो एक कानून के दायरे में रह के उनको सजाएं दी जा रही है। 80 वर्षीय बुजुर्ग संत है, अभी तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। ये टारगेट सीधा मीडिया पे जाता है, जो मीडिया सच नहीं दिखाती उसका बहिष्कार करे। जी साहब, मेरे पे